उसमें जिसको चोट आई है उसका मेडिकल करवा रहे हैं, जिसके खिलाफ भी वो बयान देगा उस अनुसार कार्रवाई केस दर्ज कर ये देंगे। हमलावर कहाँ से आए थे, कितने लोग थे? तो वो अभी वो बताएगा, वो लड़का जिसके साथ ये घटना हुई है, ये कौन लोग हैं जिनके ऊपर अटैक हुआ है? जिनके जिनके ऊपर ऊपर अटैक हुआ वो ये कौन है? कोई संदीप अरोड़ा है, अच्छा, वो उसका इंचार्ज घुमारमंडी मेडिकल कराउन गए ने, वो जो स्टेटमेंट दूगा स्टेटमेंट दे हिसाब नाल कार्रवाई असीं कितनी करांगे। चोटें कितनी है उसमें? एक लेडी भी थी, लेडी के साथ भी मारपीट हुई है, उसके साथ भी हुई है, तो कितनी चोट वो हो गई मेडिकल है? कराउन गए ने, वो आके मैनूं दसदा रहे सर उस उन्हों वेले। का दोष है कि हमें सिर्फ उसने बीती रात ये बारे कंप्लेंट भी कर चुके हैं, पर उन पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। नहीं कोई कंप्लेंट नहीं है तो ये इस बारे, कोई कितने कंप्लेंट कितने नहीं। मतलब ये जो इनका आपसी कोई विवाद वगैरह भी सामने आ रहा है, कोई जांच में कुछ पता लग पाया अब तक? इसका नहीं, मेरे को ना था कोई पहला कोई इस तरह का नहीं, कोई इंक्वायरी है नहीं, ठीक है, आज जो लड़ाई वगैरह हुई बट है ये उसकी जांच रिसेंटली कितनी अज की जी लड़ाई आ, पहले का नहीं सानू पता की डिस्प्यूट है, बट असी अज की जो हुई है जो घटना हुई है वो असी पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। सुबह 11 बजे दुकान पे हमला हुआ है जी, 30-40 आदमी आ गए, दुकान के अंदर 15-20 लोग आ गए, बाकी सारे बाहर थे, मैं और मेरी वाइफ थे कैश काउंटर पे, उन्होंने अटैक किया, बहुत मारा जी, वाइफ को भी धक्के धुक्के मारे हैं। मैंने साथ में एक प्लॉट लिया हुआ है जी, पिछले 3 साल से मैं ऑनर हूँ वहाँ पे, मेरी सिस्टर के नाम है वो प्लॉट, तो मैं उसमें कंस्ट्रक्शन करा रहा था, कहते ये प्रॉपर्टी जो है ये मेरे बाप दादाओं की है, तुम इस पर एक ईंट और लगा के दिखाओ मैं तुम्हें बताऊंगा। मेरे को रात को ही धमकी आई थी ये, तो मैंने काम तो बंद कर दिया था आज, मैंने SHO साहब की भी बोल दिया था कि ऐसे ऐसे मुझे कंप्लेंट वो आई है, थ्रेटनिंग आई है, तो उन्होंने कहा ठीक है हम सुबह देखेंगे, सुबह 11 बजे आप मेरे पास आ जाना, बट वो 11 बजे मेरी दुकान पे ही आ गए। इट वॉज रियली सॉलिड अटैक, बहुत मारा है जी उन्होंने हम लोगों को। हम दुकान पे बैठे थे जी सुबह, बहुत सारे लोग ऐसे ही घुस गए अंदर, उनके पास लाठियां भी थी, एक के पास रिवॉल्वर भी था, वो घुस गए, उन्होंने आते ही मारना शुरू कर दिया मेरे हस्बैंड को, बहुत थीना जपती हुई, और बाहर खींच के लेके जा रहे थे, बस मैंने बहुत रोकने की कोशिश की मगर उन्होंने बहुत मारा जी।